जहाँ मंदिरों की घंटियों की आवाज से सुबह होती हो, जहाँ गंगा आरती से शाम होती हो, वो है बनारस। जहाँ पावन नदी गंगा बहती हो, जहाँ हर सीढ़ी घाट पे गली मोहल्ले में धर्म और अध्यात्म, जहाँ हर संत और साधु ऋषि मुनि के सपने हुए साकार, वो है बनारस। अमेरिका के राष्ट्रपति जिन ग्रांट ने बनारस के बारे में कहा था, दिस इज द सिटी ऑफ लेन। बनारस को गलियों का नगर भी कहा जाता है। बनारसी साड़ी, सोने का व्यापार, कचौड़ी गली, ठठेरी बाजार जहाँ पीतल के बर्तन मिलते हैं, विश्वनाथ गली की चूड़ियाँ, लकड़ी के खिलौने जो कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है, मतलब ये कि बनारस के सभी फेमस वस्तुओं का व्यापार इन्हीं बनारस की गलियों से होता है। किन्हीं जमानों में बनारस गंगा नदी के किनारे ही गलियों के रूप में बसा था। बनारस की ये गलियां किसी भूल भुलैये से कम नहीं है, और बनारस में लोग दूर दूर से इन गलियों को देखने आते हैं। इन गलियों का अपना अलग ही मजा और इतिहास है। इन गलियों में इतनी आजादी है कि आप कैसे भी घूमे, जहां मन करे बैठे, कोई भी आपको पूछेगा नहीं। और घूमते घूमते मुझे ये भी लगा, कुछ गलियां तो ऐसी हैं कि जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, और बहुत कुछ देखने को भी मिला। यहाँ आस्था, धर्म, सब कुछ दिखता है। बहुत ही सुंदर चित्रकारी फिलहाल हर गली की दीवारों पे मुझे दिखी। काफी पुराने ये घर, पुश्तैनी घर, सदियों से लोग इसमें रह रहे हैं। और स्पेशल बात ये है कि सारी गलियां या तो गंगा नदी के तट पे खुलेंगी, किसी घाट पे खुलेंगी, नहीं तो वो गोल गोल घुमाते हुए आपको मेन रोड पे भी ले आती है। आप किसी न किसी गलियों से निकलकर किसी न किसी घाट पे पहुंच ही जाते हैं। घाट पे बैठ के नदी को निहारिए, और वहीं पे एक कैफे है जहां आपको पुराने स्टाइल में बेकरी प्रोडक्ट मिल जाएगा, उसका आनंद लीजिए। विश्वविद्यालय के स्टूडेंट इन्हीं सीढ़ियों पे बैठ के गंगा नदी को निहारते हुए स्पेशल मैगी खाते हुए दिख जाएंगे। कोई भी ऐसी गली नहीं है जहां मंदिर ना मिले आपको, और कुछ पुरानी खोई हुए इतिहास की कथाएं भी दिख जाएंगी, जैसे कि मुझे ये दिखा। बहुत सारे अनुभव इन गलियों में घूमते घूमते आपको मिलेंगे। सच में बनारस एक आध्यात्मिक शहर है। और अब मैं आपको ब्रिज रामा पैलेस, जो कि एक हेरिटेज होटल है और गंगा नदी के तट पे बसा है, वहां ले चलती हूँ। वहां जाने के शायद दो रास्ते हैं, मैं अभी आपको इन गलियों के रास्तों से ले जा रही हूँ। देखिए, जिसे बैक वे भी कह सकते हैं, ब्रिज रामा पैलेस। ये करीब 208 साल पुराना हेरिटेज होटल है। गदोलिया मार्केट से होते हुए जैसे ही आप दशाश्वमेध घाट की तरफ जाएंगे, पहली गली छोड़ के दूसरी गली में एंटर करने के बाद ही हमें ब्रिज रामा पैलेस की गली मिल जाएगी। और दूसरा रास्ता बोट के थ्रू, दिस इज द एंट्रेंस, रामा पैलेस की अपनी बोट चलती है जो आपको पिक एंड ड्रॉप करती है। या वो
208 साल पुराने इस महल को हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है और वहां से गंगा का व्यू अमेजिंग है। और मैं यहाँ पे ब्रिजरामा पैलेस में एंटर कर चुकी हूँ। रिसेप्शन हॉल से होते हुए मैं आगे बढ़ गई और ये जो आप स्पेस देख रहे हैं इसका लोकेशन गंगा नदी की तरफ क्या है। और इस हेरिटेज होटल में आप स्टे भी कर सकते हैं। और अगर आपको बोटिंग करनी है तो होटल के अंदर ही एक लिफ्ट है। ओके, अच्छा ऐसे है। इसके थ्रू आप नीचे जाएंगे और जैसे ही आप बाहर की तरफ बाहर आ रही हूँ। हेरिटेज पैलेस कुछ प्राइवेट बोट्स हैं जो हेरिटेज होटल की ही है खुद की। एंड दिस हेरिटेज होटल इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा एंड द घाट नेम इज दरभंगा घाट। दरभंगा घाट से होते हुए हम आगे बढ़ते चले गए। नाउ वी आर ऑन अहिल्याबाई घाट। और जब हम इनकी गलियों में गए वहाँ हमें एक बहुत ही स्पेशल चीज नजर आई। कितना पुराना? बहुत ही पुराना एक घर मुझे दिखा। दो या तीन मंजिला था शायद। और पूछने में पता चला ये 400 साल पुराना घर है। आप लोग इसमें रहते हैं? बाद में ये भी पता चला ये अहिल्याबाई होलकर का पुराना निवास स्थान था। नहीं बेटा फॉरेनर नहीं है। क्या बेटा जाएगा? अच्छा बेटी, जैसा कि वहाँ के रहने वाले वाशिंदों ने बताया। कितने लोग रहते हैं यहाँ? लोग पूरा खानदान है। 400
से पूरी आरती दिखती है? हाँ यहाँ पे होती है। कहाँ पे आरती कहाँ होती है? क्या था वहाँ पे? और इस 400 साल पुरानी बिल्डिंग में 10-12 करीब फैमिली कई पुश्तों से रह रही है। आश्चर्य की बात यह है कि कैसे सब इसमें रहते हैं। और ये इनकी कुल देवी थी जो अंधेरे में हमें दिखी नहीं। तो ये उनका बिल्डिंग है? वो बनवाई थी ना काशी विश्वनाथ जी का बोला बताया जाता है। अच्छा। बाबा विश्वनाथ जी को मिले थे। बहुत पहले से यहाँ आ गया। अरे यहाँ हम लोग कम से कम ये तीसरा पुस्त हम लोग का चलता है और ये जो पंडित जी है इन लोग का चौथा पुस्त चलता है। जो भी रहा 50 साल 60 साल रास्ते। और इन लोगों से मिलकर कुछ अलग ही फीलिंग आई और फिर हम गलियों की तरफ निकल गए बाहर की तरफ जाने के लिए। इन गलियों में आपको बहुत ही डिफरेंट अलग ही अनुभूति का एहसास होगा। अब मैं आपको मानसिक वेदशाला ले चलती हूँ। ये भी दशाश्वमेध घाट के किनारे पर स्थित है। टिकट एंट्री 25 रुपए एडल्ट। मानसिंह महल में एंटर करते ही बहुत ही खूबसूरत वाराणसी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। शमशान में दहा होने और गंगा में प्रवाहित होने से मोक्ष मिल जाता है। और पासपोर्ट का रंग कैसा था? बनारस आपको एक ऐसे तिलस्म में जकड़ लेता है जिससे आप कभी निकल हुए दर्शन कण कण में काशी है और रस रस बनारस। जयपुर के संस्थापक सवाई राजा जय सिंह ने सन 1737 के आसपास महल वेदशाला का निर्माण कराया था। वेदशाला दशाश्वमेध घाट के निकट गंगा के पश्चिम तट पर स्थित है। ये महल काफी आलीशान है और राजस्थानी वास्तुशिल्प की नायाब कारीगरी की मिसाल यहाँ देखने को मिलती है जो कि बलुआ पत्थरों से निर्मित है। ये क्या? और इस वेदशाला को अब म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। इस वेदशाला में समय का आकलन एक समय में किया जाता था। और पवित्र गंगा नदी का दृश्य हर कोने से कुछ अलग ही नजर आता है। मान महल अपने आप में बेजोड़ है और इसके एक हॉल में गंगा का अवतरण कैसे हुआ
स्पेशल वाराणसी में मैं काफी बार गई हूँ और मैंने इस पे काफी वीडियो बनाई है, लेकिन हर बार मुझे एक नया विषय मिल जाता है और हर बार ऐसा लगता है अभी भी कुछ बचा है। और गलियों से निकलते निकलते हम गदौलिया मार्केट में अय्यर कैफे में पहुंचे, जो काफी पुराना कैफे है। आप नॉर्मली कहते हैं जो दोसा इडली है वो साउथ इंडियंस के घर में बनता, पब्लिक में कभी खा नहीं, तो पब्लिक में उसको लेके आने का श्रेय हमारे ग्रैंडफादर को दिया हम लोग ने। ये पूरा एरिया भी पूरा खाली था मैदान, तो उस समय लोग बाहर टूरिस्ट आते थे गंगा जी स्नान करना और विस्तारी दर्शन करने के आते थे। यहाँ भी कोई फूड का कोई प्रोग्राम नहीं था तब, ये जो बिल्डिंग के ओनर उसमें बीच में लॉ पहुँचते थे तब उन्होंने, तो वो हमारे यहाँ खाते पीते थे, तब उन्होंने कहा कि जो है हम आपको यहाँ स्पेस देते हैं, आप एक रेस्टोरेंट यहाँ डाल दीजिए, यात्री बहुत आते खाने के लिए। आध्यात्मिक, पौराणिक, धर्म की कथाओं का शहर बनारस। गंगा का पावन जल, शांत आनंदमय घाटों का अनुभव है शहर बनारस। बनारसी साड़ी, कचौड़ी गली, ठठेरी बाजार और बाबा विश्वनाथ का शहर बनारस। 84 योनिया 84 घाट का शहर बनारस। उगते सूरज पर शंखनाद, ढलती शाम पर गंगा आरती का शहर बनारस। कुछ अलग ही कुछ रहस्यमय शहर बनारस। चलिए अभी हम काशी से प्रस्थान करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, फिर मिलते हैं।